अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चरण वंदना एजुकेशन सेंटर में। बच्चों हम लेकर आए पंजाब बोर्ड क्लास सिक्स का आपका हिंदी का पेपर। क्लास सिक्स आपका ये हिंदी का पेपर है, तो इसमें आपको ये रियल पेपर है, तो ये पेपर आपको पहले देख लेना है पूरा किस तरह से आपका पेपर आया हुआ है। पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको चुनकर बताना है। इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुने, तानसेन वह बुद्धिमान शांत। ठीक, तो संज्ञा पूछा गया है, तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, ठीक, तो ये तानसेन क्या है, एक नाम है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, संज्ञा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें से आपको सेकंड नंबर देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण है। तो इनमें से काली, आनंद, यह, मेहनती, इनमें से बताना है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। ठीक, तो काली, आनंद, यह, मेहनती, इसका आपको आंसर बताया जाएगा। भी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इनमें से आपको बताना है क्रोध, गायक, साधु, अध्यापक। ठीक, इनमें से आपको बताना है कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसके बाद नीचे आप नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, निम्न में से सर्वनाम शब्द चुने, तो इसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका पार्ट टू आएगा, उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। पहले आपको पेपर देख लेना है पूरा। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द चुनना है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। फिर इसके बाद सेवन है, निम्न में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण चुने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एट नंबर, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए, मिठाई, प्राणी, बुराई, दो। ठीक, तो ये आपका विशेषण बताना है, तो ये बुराई आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर। निम्न में क्वेश्चन है नाइन नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विशेषण नहीं है, महिला, तेज, पंजाबी, लाल, तो इसमें से कौन सा आपका नहीं है, तो इसमें बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से क्रिया चुने। नेक्स्ट है बारहवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं है। ये पूरा पेपर आपका दिया गया है, ये आपको पूरा अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर बारहवां, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक, तो आपका क्रिया का उदाहरण इसमें नहीं है, तो पूछा गया, तो साधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माता का पर्याय है। माता का पर्यायवाची बताना है, भ्राता, जननी, मौसी, भगनी, तो माता का हो जाएगा जननी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द पेड़ का पर्याय नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा आपका पेड़ का पर्याय नहीं है, पौधा, पत्ता, पादप, वृक्ष, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर पत्ता। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से तलवार शब्द का पर्यायवाची पर्याय चुने। ठीक, तलवार, कटी, सरिता, शमशीर, कमान, ठीक, तो इसका हो जाएगा सरिता, नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी किस अत्यंचरी की सुखुर खुसुर करने लगे। ठीक, तो ये आपका पूरा पेपर दिया गया है, इस तरीके से पूरा पेपर आपको देख लेना है। जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं उसका सोल्यूशन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये पेपर, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ये बच्चों आपका पूरा पेपर है, इस तरीके से पूरा पेपर आएगा कल। तो ये आपका 17 सितंबर का पेपर है, तो पूरा पेपर आपको अच्छे से देख लेना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।